हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं साल भर में वस्तुओं को मिले जीआई टैग। पहले हम देखते हैं उत्तर उत्तर पूर्व पूर्वी भारत में। पहला है हिमाचली काला जीरा, ये हिमाचल प्रदेश को मिला है कृषि उत्पाद में। अगला है हिमाचली चुल्ली तेल, ये भी हिमाचल प्रदेश में विनिर्मित उत्पाद है। अगला है चुनार बलुआ पत्थर, ये यूपी में प्राकृतिक आपदा है। अगला है शाही लीची, बिहार में कृषि उत्पाद है। अगला है सिलाव खाजा, बिहार में खाद्य पदार्थ है। अगला है कंदमाल हल्दी, उड़ीसा कृषि उत्पाद है। अब दक्षिण भारत के देखते हैं हम लोग, अल्फांसो आम महाराष्ट्र कृषि उत्पाद है। अगला है संगली हल्दी, महाराष्ट्र कृषि उत्पाद है। अगला है कुरुक अरेबिका कॉफी, कर्नाटक कृषि है उत्पाद है। वायनाड रोबस्टा कॉफी, केरल में कृषि उत्पाद है। अगला है चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी, कर्नाटक कृषि में उत्पाद है। अगली बार करते हैं बाबा बुद्ध नीगिरी अरेबिका कॉफी, कर्नाटक में कृषि उत्पाद के लिए मिला है। अगला है सिरसी सुपारी, कर्नाटक को कृषि उत्पाद में। अगली बार करते हैं इरोड भंजल इरोड हल्दी, तमिलनाडु को मिला है कृषि उत्पाद में। अगला है मरायूर गुड़, यह केरल को मिला है कृषि उत्पाद के लिए। अगली बात करते हैं थिरुवनम सिल्क साड़ी है, तमिलनाडु को मिला है हस्तशिल्प उत्पाद। अब देख लेते हैं पश्चिम मध्य भारत को मिले जीआई टैग, राजकोट पटोला गुजरात को मिला है हस्तशिल्प। अगला है पेटपुर पेंटिंग ब्लॉक्स, गुजरात को मिला है हस्तशिल्प उत्पाद। अगला है झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, एमपी को मिला है खाद्य पदार्थ के लिए। अगला है जीरा फूल, छत्तीसगढ़ को मिला है कृषि उत्पाद के लिए। दो राज्यों से जुड़े कोल्हापुर चप्पल, कर्नाटक महाराष्ट्र हस्तशिल्प, अराकू बेली अरेबिका कॉफी, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के लिए। चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं।